हमने अपने एडू लर्निंग चैनल के माध्यम से पिछले दो वीडियोस में मोशन पर वेलोसिटी और स्पीड की बात की थी। किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन टर्म्स होती हैं, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक कार स्टेशनरी पोजीशन में है, मोशन में नहीं है। देखते ही देखते 5 सेकंड्स में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी ये मोशन में आ गई और इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। जब ये खड़ी थी, स्टेशनरी पोजीशन में थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब ये 5 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी इसकी देखी जो आई 10 मीटर पर सेकंड, तो 5 सेकंड्स के अंदर वेलोसिटी गेन की 10 मीटर पर सेकंड, यदि इसका रेशियो देखें 10/5, तो इसका आंसर आता है कि हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। तो ये कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी यदि इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है, बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग। सो यहां पर हम इनिशियल वेलोसिटी को यू सिंबल से शो करते हैं, फाइनल वेलोसिटी जो उसकी 10 मीटर पर सेकंड हुई उसको हमने वी सिंबल से यूज किया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यदि हम देखें तो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, और वो चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर हुआ है, 5 सेकंड्स के अंदर हुआ है। तो यहां पर जो रेशियो होगा चेंज इन वेलोसिटी और टाइम ड्यूरेशन का, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारा क्या होगा, ए सिंबल के द्वारा शो करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जितने समय में वेलोसिटी चेंज हुई है। सो ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज वी माइनस यू अपॉन टाइम। ये हमारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का एक फार्मूला आया कि बॉडी में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है ये हम जान सकते हैं। यदि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सीधी सड़क पर जो कहीं पर भी मुड़ नहीं रही है, तो हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी वेलोसिटी यदि कांस्टेंट है, यदि यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम है, यानी कि 0 हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी उतनी है, इनिशियल भी उतनी है। फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे तो 0 आंसर आएगा, एंड दैट विल गिव 0 एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी नहीं होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि कोई व्हीकल, ऑब्जेक्ट, बॉडी जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। वहीं पर यदि डायरेक्शन चेंज होता है तो उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन भी आएगा। यदि वेलोसिटी चेंज होगी तो ही एक्सेलरेशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि कोई साइकिल एक स्लोप पर जा रही है, पेडलिंग भी नहीं की जा रही है, जो आपका विंड रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, और यदि कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ऊपर से नीचे गिर रही है और कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एक बॉल है जो फ्रीली रोल डाउन हो रही है एक इंक्लाइंड प्लेन पर, तो यहां पर हम कह सकते हैं इनके अंदर एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पर यूनिट क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में है और अपॉन टाइम सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड पर सेकंड, मीटर पर सेकंड पर सेकंड को हम इस तरीके से बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये ऐसा ही यूनिट है एक्सेलरेशन की, और इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मेजरमेंट यूनिट हमने क्या ली है। यदि कोई बॉडी
या कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है मगर उसका एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है कि -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। जब कोई ट्रेन स्टेशन पर आ रही है और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर अप्रोच करती है उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाती है और आकर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा और उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन कहेंगे। तो यहां पर आज हमने जाना कि एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सेलरेशन किस प्रकार से होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। अब इसके बाद में हम ये भी देख रहे हैं कि जब वेलोसिटी बार बार चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होने के कारण बॉडी या ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज करता है, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जब हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं सो दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी को हम वी बार से शो करेंगे इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारी कहलाएगी एवरेज वेलोसिटी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। हम आपको और भी आगे फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो देंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बने रहें हमारे साथ में एडी लर्निंग चैनल पर। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस आपको आने वाले समय में मिलते जाएंगे। अभी तक हमने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस दिए हैं। So thank you for watching. Adi Learning.